टेंथ क्लास नाउ वी स्टार्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर बाय फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशंस के कौन से रूल हैं कनकेव मिरर के लिए, तो उन सब रूल्स को आप माइंड में रखिए, उन्हीं के बेसिस पे आज हम इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। सबसे पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, सबसे पहले आपको मिरर बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो मिड पॉइंट है उसको पी से इंडिकेट करिए, मीन्स पोल, और पोल से सेंटर को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करिए। कई बार बच्चे इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा ऊपर बना देते, थोड़ा नीचे बना देते, वो गलत है। बिल्कुल सेंटर, यानी कि मिरर जो है उसके सेंटर से ही वो लाइन बिल्कुल पास होनी चाहिए, मिडल में से बिल्कुल पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बनाने के बाद, अब ये क्या कहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, यानी कि हमने थोड़ा दूर, यानी कि डॉट 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 करते हुए दिखा रखा है ना, ये देखो ये डॉट दिखा रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट विच लाइज एट इन्फिनिटी। कहाँ लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पे। अब यहाँ से कोई पैरेलल रेज आ रही, कहाँ इंसिडेंट हुई, मिरर पे, यहाँ रिफ्लेक्शन होगी। अब आपको पता है कि व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, देखो फोकस से पास होगा, ठीक है। एक रे और दिखा सकते हो आप, तो फोकस से पास होगी। ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसको क्या कहेंगे आप, प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो इसका मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज की, यानी कि देखो यहाँ पर रेज आकर मिल रही हैं तो जस्ट एक पॉइंट बन रहा है फोकस पे ना, तो इसका मतलब पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपने ये कहना है रियल इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी लेकिन जस्ट पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट में जो इमेज फॉर्मेशन करवाऊंगा उसके बेसिस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ लिखा भी हुआ है रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ये आपको जरूर लिखना है हर एक में। जैसे इमेज फॉर्मेशन आप करोगे ये आपको नेचर ऑफ द इमेज जरूर इंडिकेट करना है, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और में डिफरेंट डिफरेंट भी होगा, ऐसा नहीं कि हर एक में यही सेम लिख दो, ऐसा नहीं, इसके लिए ये चीज़ नेचर ऑफ इमेज है, ठीक है। सेकंड देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज लाइज बियॉन्ड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, बियॉन्ड का मतलब परे, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो फोकस से पास हो गई। रूल वही ओबे करने हैं जो आपने चारों पढ़े, उनमें से कोई भी रूल आप ओबे कर सकते हैं। तो ये तो मेन सभी के अंदर होगा ही होगा कि व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। उसके बाद एक रूल ये ओबे कर रखा है हमने कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस चली जाती है, है ना। अब ये देखो ये वाली जो रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई। तो ये दोनों जहाँ मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप कहो कि सर रिफ्लेक्शन कहीं और भी इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ इमेज कहीं बन रही है, तो मैं आपको बता दूँ रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलेंगी, ये ध्यान रखना। कई बार रेज जो हैं वो बीच में भी पहले इंटरसेक्ट कर देते हैं रिफ्लेक्शन से पहले भी, तो वहाँ पर इमेज नहीं बनाते आप। कई बार बच्चे ये माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि सर ये तो रिफ्लेक्शन के पहले भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर इमेज बना देते हैं, वो गलत है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर टू रूल्स ओबे करके जहाँ पर इंटरसेक्शन होगी वहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। एक रूल और हमने ओबे किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ में वापस चली गई, तो यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है। इनको बनाने की जरूरत नहीं, ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस रूल को बनाने की जरूरत नहीं, कोई दो रूल दिखाइए आप बस, ठीक है।
तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनी। अच्छा, इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है ना, तो आप क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड वर्ड यूज कर लें, ठीक है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश का मतलब छोटा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो रेज आई हैं रूल्स को ओबे करके डायरेक्ट, कोई हमने चेंजेस नहीं किए, तो रियल इमेज बनेगी। और साथ साथ कल मैंने बताया भी था वैसे आपको, कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर इमेज बनती है, ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज इनवर्ट बन रही है, तो रियल इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, या हाईली डिमिनिश्ड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, पहले में भी हाईली डिमिनिश्ड आपने पॉइंट साइज के लिए यूज़ किया है तो इसमें डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक में हाईली डिमिनिश्ड भी इसमें भी लिखा हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा दिखा दिया, तो बहुत छोटा का मतलब पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है? और ऊपर अगर हाईली डिमिनिश्ड आपने दिखाया है तो वहाँ पे ब्रैकेट में आप पॉइंट साइज दिखा सकते हैं, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है? तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। इसी तरीके से इसके अंदर आप देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट। बच्चे ये ध्यान रखना हमेशा कि मिरर आपने बना दिया, फोकस बना दिया, तो फोकस का ही डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा नहीं कि फोकस तो यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर होना, तो गलत हो जाएगा। आपको पता है कि रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ, है ना? तो इसीलिए फोकस जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए पी और सी के बीच का। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? तो विच रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है? उसके बाद एक हमने रूल ये ओबे कर लिया कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो इन दोनों रूल्स को ओबे करके यहाँ पर ये देखो मिले हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो देखो इसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, तो आप क्या कहेंगे? है तो रियल, रियल और साथ में इन्वर्टेड, उल्टी बनी है ना इमेज, और सेम साइज की बनी है, ठीक है? नेचर ऑफ इमेज में क्या कहेंगे? रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनी इमेज, कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहोगे सर हमें कब कैसे पता लगेगा कौन सा रूल कब ओबे करना है? कोई बात नहीं, आप इसमें दूसरा रूल ओबे कर लो। एक तो आपने ये किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो गई, आप कौन सा ओबे करना चाहते हो? आप सेंटर वाली तो इसमें नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आप पोल वाला ले सकते हो। जब कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है, पोल पे इंसिडेंट होने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए नीचे आएंगे तब भी यहाँ मिलेंगी, ठीक है? जरूरी नहीं है फोकस वाली रूल को ओबे करके यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करो, लेकिन अगर ऐसा कर लोगे तो बेटर लगेगा। अगर पोल वाला भी करोगे तब भी आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन रूल्स आप सही ढंग से ओबे करके दिखाएं, ठीक है? तो याद रखना, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन एफ एंड सी, अगर F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो फोकस से पास होगी, ठीक है? और जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। एरो दिखाना है बेटा, एरो अगर नहीं दिखाओगे तो गलत हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुई, जो फोकस से गई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिली वहाँ पर इमेज बनेगी। तो कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। और इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, रियल इन्वर्टेड, और देखो ऑब्जेक्ट के साइज कम है, इसमें इमेज बड़ी बनी है, तो इसका मतलब लार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैग्नीफाइड का मतलब भी बड़ा होता है, एनलार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, या लार्ज भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। लार्ज साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है? तो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी,
when ऑब्जेक्ट lies between focus and center of curvature. ठीक है. अच्छा एक रूल और भी ले लेते हैं. क्या पहले आप इतने ही करें, ये मैंने आपको 4 बता दिए, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बना के देखें, बार बार बना के देखें और इसे रिवाइज करें, बाकी नेक्स्ट टाइम.